हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आई एस। माई नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ है डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जिन्होंने एस सी एस एग्जाम 2024 में 110 रैंक सिक्योर किया है और इनको पोस्ट मिला है असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या जर्नी रही है एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बनने की, जो जर्नी रही है इनकी उस किस टाइप से रही है और किस किस टाइप से इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किस टाइप से किया, मेंस की प्रिपरेशन किस टाइप से किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे इन्होंने डील किया, उसके बाद फिर जो एग्जाम में जो परफॉर्म किया है वो किस टाइप से रही है और कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सब कुछ जानेंगे इनके जर्नी के बारे में किस टाइप से रहा और कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे अभिमन्यु टीम की तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन के लिए विजेंद्र, थैंक यू सर। और आपकी और पूरे अभिनंदन। सभी टीम को भी मेरी तरफ से सब आभार सहित उनको प्रणाम। जी प्रणाम जी। और मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आप विजेंद्र जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस टाइप से आपकी जर्नी रही है। देखिए सर, मैं एक गांव के बिल्कुल जो बिल्कुल गांव ठेठ गांव होता है उस गांव में जन्म लेकर के उसी के सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि मैंने अपनी शिक्षा आगे ट्रेडिशनल जो शास्त्री होते हैं संस्कृत उनमें एडमिशन लेना पड़ा और उसी दौरान मैंने शास्त्री शिक्षा शास्त्री और शिक्षाचार्य सारी मेरी शिक्षा ट्रेडिशनल संस्कृत में हुई। इसी दौरान मेरे को फिर जॉब लग गई थी पीजीटी संस्कृत। इसके साथ साथ मैं जॉब करता रहा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता रहा। फिर जब 2019 से लेकर के मैंने अपने एचसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की, जिसमें शुरू में मुझे समस्याएं आई कि इस समय कुछ इतना बीत गया है कि हम जो आज के बच्चे उनके साथ संघर्ष करना, उनके साथ हम परीक्षा में बैठ करके उनके अनुसार हम उचित अंक या अच्छे अंक लेकर के हमारे लिए एक चैलेंज का विषय रहा। क्योंकि मैं एक विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी में आता जी अच्छा। हूँ जी। और आप अपने मतलब जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन की, जैसे आपने बताया कि आप जॉब भी करते थे, ठीक है, जी सर और जॉब के साथ साथ आपने टाइम मैनेजमेंट किस टाइप से किया कि जॉब करने के बाद भी आपने प्रिपरेशन की, तो वो किस टाइप से टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने। देखिए सर कि हाँ, जॉब का टाइम हमारा टीचिंग प्रोफेशन में था तो एक तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो ऑलरेडी तैयार होता ही चला गया। जी जब उस प्रोफेशन में है उसमें उस सब्जेक्ट में पीएचडी किया है और इसके साथ साथ और पॉलिटिकल रीजन के लिए मुझे तो मुझे इसके साथ साथ एलएलबी भी कर लिया था। एलएलएम चल रही थी मेरी तो मेरे को प्री के लिए तैयारी तो पहले फोकस करना था। उसी के अनुसार कुछ हमारे इंस्टीट्यूट थे जैसे आपका इंस्टीट्यूट था या और एक डॉक्टर अमित एकेडमी है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इस तरह की जो एकेडमी है उनका सहारा लेकर के जितना भी समय मिल पाता था जैसे 3 बजे से हम 4 या 5 घंटे जी कंटिन्यू हम लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं तो उसका हमारा लगातार स्तर है जो इसके प्रति बढ़ता चला जाता है कि हम लोगों के दूसरे बच्चों के साथ भी अपनी जर्नी जो है कि परीक्षा में एक इस प्रकार से कहें कि उनके साथ रह करके उसी परिवेश में हम उनके साथ कंपटीशन की भावना के साथ आगे बढ़ सके। ये भावना हमारे जब लाइब्रेरी के आसपास रहते हैं तो वो भी हमारे जहन में रहती है। जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसी तरह की हमारे अंदर भावना भी आती रहेगी। जी सर और अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, सबसे पहले तो जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होती है, तो प्रीलिम्स एग्जाम को किस टाइप से स्ट्रैटेजी, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे कैसी रही आपकी। देखिए सर, प्रेम के लिए कुछ टेस्ट सीरीज है उनके साथ अपना पहले स्कोर चेक किया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। उसके ऐसा ऐसा फिर जो साथी हैं उनके साथ कि मेरा यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ डिस्कस करके उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो
फिर कंटिन्यू अपने ही चलता रहा। इस तरह जैसे देखा जाए तो प्रीमियम का स्कोर है वो आराम से मेरा हो जाता था, एकदम प्रीमियम में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई जो सी सेट था। उसके बाद जो दूसरा अपना जीएस वाला था, जीएस का हमारा न्यूज़पेपर है और हमारे एकेडमियों के जो भी एकेडमियां हैं उनकी तरफ से जो नोट्स प्रोवाइड कराते, उनसे पढ़ करके दोस्तों को के साथ जो पढ़ रहे हैं उनको कहना कि आप पढ़ भी लीजिए और मुझे थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए ताकि हमारा दोनों का पेपर तैयार हो। 1 मिनट, अभिजेंद्र जी आप मेंस के बारे में बताइए कि आपका ऑप्शनल कौन सा पेपर था, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल आपने रखा था, उसके अलावा फिर आप मेंस की तैयारी किस टाइप से किया था आपने? देखिए सर, मेरा मेंस का सब्जेक्ट संस्कृत रहा ऑप्शनल आपका और संस्कृत था संस्कृत जी? के साथ मैंने देखा 2012-13-14 बीच में क्या मेरा यानी कि एचसीएस की और यूपीएससी की तैयारी के बीच में थोड़ा गैप आ गया, जी तो मैंने यूपीएससी में संस्कृत ऑप्शन से अच्छा स्कोर किया है ऑप्शन में। और अभी 20, 21 और 22 दो तीनों अपने 21 कहीं 21, 22 और 23 तीनों में ही ऑप्शन मेरा संस्कृत रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इस बार मेरा जो स्कोर है ये बताते हुए मुझे थोड़ी शंका हो रही है, जो एक संस्कृत का ट्रेडिशनल संस्कृत जिसके अंदर शास्त्री जो हमारे सारे सब्जेक्ट ही संस्कृत में पढ़ाए जाते हैं जी उसके अंदर भी स्कोर 49 देना, तो मैं एक यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि इतने कम स्कोर हुआ, मैं अपने ऑप्शन के स्कोर से सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मेरी तैयारी है आज भी ऑप्शन की जो तैयारी है संस्कृत सब्जेक्ट है वो मेरा बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा है, क्योंकि मैंने संस्कृत से पीएचडी नेट उसी में मैंने अपना ऑप्शन सब्जेक्ट भी रखा। जी तो ये जैसे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत रखा है, संस्कृत के अलावा फिर आपने जीएस मेंस, खास करके मेंस की बात, एग्जाम की बात करें हम लोग, या ऑप्शनल सब्जेक्ट जी जीएस अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि जीएस के अंदर वो सब्जेक्ट आते नहीं है, तो फिर इसको जी अलग से जी फिर करना, तो फिर किस टाइप से उसको कैसे मैनेज किया था कि ऑप्शनल एक सब्जेक्ट अलग है जिसमें जो कोई जीएस का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, तो उसको फिर कैसे मतलब अलग से टाइम देना, और खास करके आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे वहां पे, जॉब भी कर रहे थे, फिर यहाँ पे आपका कि टाइम मैनेजमेंट इस टाइप से कि ऑप्शनल के लिए अलग पढ़ना है, फिर जीएस के लिए अलग पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जीएस वाले ही सब्जेक्ट रखते हैं, उनको थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ देखिए, मेरा संस्कृत का जो सब्जेक्ट है वो पहले से ही बहुत अच्छा तैयार था, मेरे को केवल रिवीजन करना, और दूसरा उसी सब्जेक्ट को मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि मैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ा भी रहा हूँ, अच्छा पढ़ा भी रहे हो आप रहे उसे पहुंचना यानी कि बड़ी क्लासों को 11-12 से बड़ी क्लासों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा ऑलरेडी तैयार था। और कुछ समय थोड़ा बहुत जैसे कभी टाइम है वो दे करके वो अच्छे से तैयार हो गया था मेरे, और तैयार अब भी तैयार पड़ा है मेरा दूसरा, क्योंकि उस सब्जेक्ट का जब मैं टीच कर रहा हूँ जी? इसलिए मुझे उसे ज्यादा दिक्कत नहीं आ फेस हुई। और दूसरा आपने कहा कि वो ऑप्शन में हेल्प नहीं कर पा रहा, दूसरे सब्जेक्ट में जीएस में हेल्प नहीं कर पा रहा। देखिए आप इंसेंट हिस्ट्री की बात करेंगे, आप पॉलिटिकल थॉट की बात करेंगे, तो वो संस्कृत से जुड़ी हुई चीजें ही मिलेंगी, वो एंशिएंट आपको खासकर, हेल्प ही करेंगे। हाँ जी, दूसरा आप जब आप ऐसे लिखते हैं जब हम उसके अंदर अपनी वहां की संस्कृत की कोट है वो बहुत हेल्प करेंगी, आप उस सब्जेक्ट को ये नहीं कह सकते कि वो हेल्प नहीं करता, कि बिल्कुल वो हेल्प बिल्कुल भी करता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जो आपने पॉइंट बताया जहां जहां पे वहां वहां पे बिल्कुल संस्कृत के अगर आप कोर्स डालते हो ऐसे राइटिंग में तो बहुत मतलब वो वजन हो जाती है ऐसे का। जी 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 जी, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की कि इंटरव्यू प्रिपरेशन किस टाइप से रहा था आप, और क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपने फिर कैसे मैनेज किया क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे, तो कैसे मैनेज किया फिर उस टाइम? देखिए इंट्रो के लिए मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि उस दौरान विभाग की छुट्टियां हो गई थी, जी विंटर या के समर वेकेशन कहीं जी के शुरू हो गया था, तो
उस दौरान जैसे ही रिजल्ट आया तो मुझे टाइम वो मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पहली बात तो। दूसरी, अपने साथी थे जो पहले भी सिलेक्ट हुए हैं, और दूसरे अभी जो इस प्रक्रिया में थे साथ में, हम एक टीम बनाते। पहले 4 लोग बैठे हैं वो इंट्रो ले रहे हैं, दूसरा जो अपनी अकेडमियां हैं, जैसे आपकी अकेडमी को मैंने अपना प्रोफॉर्मा भेजा कि मैं आपकी अकेडमी में इंट्रो देना चाहता, जी तो मॉक इंट्रो के माध्यम से भी मुझे जहां जहां मेरी कमियां लगी थी उनसे मुझे सहायता मिली कि उनको सुधार करके मेरा इंट्रो में अच्छा स्कोर रहा है, 48.4 अच्छा स्कोर माना जाता है। इसलिए मैंने इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई कि एक दूसरे को हम क्वेश्चन पुटअप करें और वो क्वेश्चन का जवाब हम एनालाइज करें कि इसमें कहाँ सुधार हो सकता है। जी जैसे कि आपका ऑप्शनल संस्कृत था, तो आपसे इंटरव्यू में भी संस्कृत से के क्वेश्चन पूछे गए थे? जी मैं आपको बताऊं सर, संस्कृत के ऊपर मेरा इंट्रो है कम से कम 15 मिनट तक जरूर चला हूँ। संस्कृत के ऊपर। जी जी और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप जो मतलब जब आप इंटरव्यू पैनल में गए थे, आप उस टाइम आपको कोई ऐसा मतलब घटना घटी जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें? एक घटना इंट्रो पैनल में, जब मैं सामने था इनको दे रहा था, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया कि आप संस्कृत को ही क्यों रखना चाहते हैं, आपको हेल्प, जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया था कि भी संस्कृत का अब जीएस के अंदर कुछ ज्यादा योगदान नहीं रह पा, तो आपने उस सब्जेक्ट को ही क्यों चुना, आप और सब्जेक्ट भी ले सकते थे। तो मेरा स्पष्ट कहना था कि जिस भाषा में हम आज तक उसमें अपना सामर्थ्य प्राप्त किया है, उस भाषा में हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इवन उसको बोल सकते हैं, जो हमारी शिक्षा ही सारी उसी भाषा में हुई है, क्योंकि हमारा जो माध्यम होता है शास्त्री इत्यादि के अंदर वो संस्कृत माध्यम ही होता है। जब मैंने स्नातक डिग्री संस्कृत विषय से कर लिया, उस विषय से पीएचडी कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको एक एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाऊं। इसलिए मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैंने उस विषय के साथ पहले परफॉर्म अच्छा किया है, इसमें नंबर किस वजह से कम रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, कि जो पहले अच्छे परफॉर्म करता रहा है उस विषय में, तो उस अब की बार कुछ नंबर कम रहे हैं, इतने कम नंबर रहे कि बताते हुए भी थोड़ा सा झिझक हो रही है कि ये एचपीएससी का थोड़ा सा ये माने कि भी एक सब्जेक्ट को ज्यादा स्कोर दिया जा रहा है, जैसे कि माने हम मैथ में है 177 और एक सब्जेक्ट है जो 49। आप कैसे आशा कर सकते हैं कि बहुत बच्चे को एसडीएम की पोस्ट मिल पाएगी, ये तो हमारी और सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश जीएस उनकी वजह से ही हम वहां पे इन कर पा रहे हैं ना। यदि ऐसा कोई भी क्रिटेरिया अपनाया जाता, स्केलिंग की जाती, तो शायद हो सकता है कि अच्छा स्कोर होता, और जो इन बच्चों के इस बार तरह की प्रॉब्लम आई है उस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। फिर भी आपका क्वेश्चन था कि भी संस्कृत के संस्कृत ही क्यों रखना चाहिए, यही क्वेश्चन था शायद, मैं याद कर पा रहा हूँ। एक बार दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करता है सर आपके। जी मैं मेरा कहना था कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने इंटरव्यू के दौरान हाँ आपको हाँ हाँ पूछा, तो आपने बोला कि भाई हाँ ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया जो आपने पूछा था, सेम क्वेश्चन। बिल्कुल हाँ, मेरा जवाब यही था कि मैं संस्कृत विषय से ही अन्य नेट इत्यादि सारी परीक्षाएं पास करता रहा हूँ, और इसमें यदि ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे मिल रही है कि ऐसा उपलब्ध ऐसा विषय उपलब्ध है कि जिससे मैं अपना उच्चतम स्कोर दे पाऊं, तो मैंने इसलिए इस विषय को संस्कृत रखा। और जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और जिनका नहीं हो पा रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका नहीं हो पा रहा है, जो मोटिवेट, जिनकी मोटिवेशन अभी मतलब हो जाता है कि जब आप जब बार बार फेल होते हो तो उनका मोटिवेशन लो हो जाता है। तो और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू, बिल्कुल न्यू फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, वो उन एस्पिरेंट्स के लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे आप? देखिए सर, कभी भी हमें इस बात को लेकर के निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा परिणाम अच्छा रहा या बुरा रहा। हमें इस बात की ओर चिंतन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से अपना पूरा सामर्थ्य के साथ काम कर रहा हूं, और उसके लिए मुझे कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उस समय यह सोचना चाहिए, समस्याएं भगवान उसको देता है जो उन समस्याओं को झेल सकने की अक्षमता रखता है। इसलिए यदि आप बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सोचिए कि भगवान आपकी परीक्षाएं इस वजह से इस प्रकार ले रहा है कि आपके अंदर सामर्थ्य उतना है कि आप उस समस्याओं से आगे बढ़ करके अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकते। थैंक यू विजेंद्र जी, आपने हमारे टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, हमें ऑफिस से निकाल के हमें टाइम दिया और अपने बारे में बताया, अपने जर्नी के बारे में बताया। बहुत ही मोटिवेटिंग थी आपकी जो जर्नी थी, और आई होप जो बच्चे देखेंगे वो इंस्पायर ही होंगे आपसे, इसमें जितना भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के बारे में बताया आपने, उसके लिए धन्यवाद। एंड हमारे लिए टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। एंड फिर से एक बार मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके सिलेक्शंस के लिए पूरे अभिमन्यु टीम की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से इतने प्रणाम। जी, प्रणाम। और आपका चैनल है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, हम जैसे जो भी तैयारी कर रहे हैं या आगे हो सकता है कि इस पोस्ट से हम संतुष्ट न होकर के आगे भी तैयारी करें, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इस यही काम है। कड़ी में हमारा आप सहयोग करते रहें, जिस बिल्कुल तरह बिल्कुल आप अब सहयोग कर रहे हैं। जैसे इंट्रो के समय में आपने मूव के इंट्रो ऑर्गेनाइज करके हम लोगों का साथ दिया, हमें मोटिवेट किया, इसी प्रकार आगे भी आप करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और नए जो उगती हुई पौध है हमारी, उनके लिए भी आप प्रेरणा का काम करेंगे, कुछ इस तरह पर के कार्यक्रम भी आप लेकर के आएंगे, जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए बच्चे हैं जिनकी अक्षमता, यानी कि कहें कि धन का जिनके पास अभाव या कम है, उनके लिए भी कोई विशेष स्कीम आप निकाल करके उनके लिए भी आप प्रेरणा बनेंगे, मेरी ये बिल्कुल आशा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आपके आशाओं में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपके आशा में खरे उतरें और जहाँ तक हो सके आप लोगों की हेल्प करें। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद।